जगदलपुर नगर निगम में राजनीति सर चढ़कर बोल रही है। कभी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर हंगामा तो कभी कमरे को लेकर सियासत जारी है। यहाँ पूरे 50 दिनों से लगातार कांग्रेसी पार्षद नेता प्रतिपक्ष के लिए कमरा नहीं दिए जाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेसी पार्षद निगम दफ्तर के बाहर ही जमीन पर बैठकर वार्ड के लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। वही नेता प्रतिपक्ष के साथ इस धरने में सभी 30 पार्षद एक साथ बैठकर काम कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने सत्ता पक्ष पर नेता प्रतिपक्ष के लिए कमरा अलॉट नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं कांग्रेसी पार्षदों के कमरे को लेकर किए जा रहे आंदोलन पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय पांडे ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही है अराजकता फैलाना। वे बाहर बैठकर आने जाने वालों पर टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि उनको कमरा अलॉट भी कर दिया गया है। नहीं, पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं, ये हड़ताल नहीं है, हमारा कर्म क्षेत्र है, हम ये ऑफिस है। हमको चूंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष को ऑफिस मुहैया नहीं कराया गया, उस स्थिति में हमने विरोधवश हम यहाँ पे जमीन में बैठ करके जनता का कार्यों का संपादन कर रहे हैं। लगभग 50 दिन पूरे हो गए, आज पूरे 50 दिन हो गए हैं हमारे बैठे हुए, और लगातार शहर की जनता आ रही है और हमसे काम करवा रही है, और हम जनता का काम पूरी इस तरीके से कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है, और उनका रेंगेगी भी क्यों, ये तो पूरा षड्यंत्र के तहत हमारे नेता प्रतिपक्ष का रूम को उन्होंने अनियंत्र कर दिया, ताकि वो जनता से दूर रहे, जनता को जनता की आवाज़ उन तक ना पहुँचे, उनकी समस्याएं वो ना सुन सके। अगर ये तो अपना मनमानी कर रहे हैं, महापौर अपनी मनमानी कर रही है, महापौर षड्यंत्र के तहत हमारे नेता प्रतिपक्ष के रूम को अनियंत्र किए हैं, जानबूझकर किया गया कृत्य है ये, ताकि जनता अपनी समस्याओं को उन तक ना पहुँचा पाए, उनके जो जितने भी समस्याएं उनको जो पूरी नहीं कर पाती हैं वो आते हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष के पास, नेता प्रतिपक्ष फिर पहल करते हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, और महापौर नहीं चाहती है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। नहीं, अब तो हमारी मांग वाली बात ही नहीं है, हमारा तो ये ऑफिस हो गया है, अब हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है ऑफिस की, हमारे को अब लोगों को भी आदत हो गया है कि ऑफिस यहाँ पे बैठ रहे हैं, अब हम अन्यत्र नहीं जाएंगे, हम अब यहीं पे बैठ के अपना कार्य लोगों का कार्य का संपादन करेंगे। कोई कुर्सी नहीं, हमको चाहिए भी नहीं, हमको कोई कुर्सी टेबल चाहिए भी नहीं, इसलिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं 50 दिनों से। अगर वो देते तो बात ठीक था, उस समय तक हमारी मांग थी, नहीं दे रहे तो आज हम बैठेंगे और आगे भी हम ऐसे ही बैठते रहेंगे और लोगों का कार्य को करते रहेंगे। देखिए, कांग्रेस के डीएनए में ही अराजकता फैलाना है, वो बाहर बैठ के एक्चुअल में नगर निगम में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। जनता खुश नहीं है, और यदि जनता खुश है उनके बाहर बैठने से तो बाहर बैठे हैं, उसमें तकलीफ क्या है। कोई भी आ रहा है जा रहा है उसको टोका टुकड़ी कर रहे हैं, नगर निगम में जाने से कोई कार्य कभी भी अराजक स्थिति बन सकती है। हमारा भी आना जाना होता है, आप वहाँ पे कभी आंदोलन के नाम पे बैठे बताते हो 50 दिन से, कभी बोलते हो हमारा दफ्तर ये हो गया है, तो अपने आप में जो प्रतिपक्ष है वो कन्फ्यूज्ड है। स्वहित के लिए, अपने फायदे के लिए जो आंदोलन करता है वो कभी भी पब्लिक आंदोलन नहीं होता है। नेता प्रतिपक्ष के जो कमरे की मांग की जा रही है उनके स्वहित के लिए है, उनके अपने हित के लिए है, ये पब्लिक का आंदोलन नहीं है। ये अपनी रोजी रोटी दुकान खोलने के लिए वहाँ पर ये मांग कर रहे हैं, जो कि नाजायज़ है। कमरा उनको ऑलरेडी दिया गया है, कमरा में जो संसाधन चाहिए वो भी उनको बताया गया है कि आपको जो चाहिए वो दिया जाएगा, इसलिए इनकी मांग भी नाजायज़ है, और ये जो वहाँ बैठ रहे हैं वो भी अराजकता फैलाने के लिए ही बैठ रहे हैं। राजनीतिक स्टंट है, लेकिन राजनीतिक स्टंट भी हो तो पब्लिक के लिए होना चाहिए, ये तो अपने आप में राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। बता रहा हूँ, इससे पब्लिक को क्या दिक्कत है कि वो कहाँ बैठ रहे हैं कहाँ नहीं बैठ रहे हैं। ये अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए छक्का कमरा उनको चाहिए जो कि बन गया है। पहले वही कमरा सीलन युग बदबू था तो झांकने भी नहीं आते थे, आज चूंकि वो बन गया है तो उसकी डिमांड कर रहे हैं। और जिसमें 9.5 साल तक सत्ता पक्ष के साथ रह के जो खीर खाते थे, वो कमरा जिनको आमटी थे उसमें नहीं जाने का ढोंग कर रहे हैं।